जय सियाराम। ये वही घाट है जहाँ पर प्रभु श्री राम आखिरी बार दिखाई दिए थे और यहीं से जल समाधि ली थी। और आज है रामनवमी और रामनवमी के उपलक्ष्य में अयोध्या में राम नाम के नारे लगते हैं और राम नाम की रैली निकलती है। तो अयोध्या की रैली दिखाएंगे, फिर चलेंगे हनुमानगढ़ी दिखाने। हनुमानगढ़ी वही स्थान है जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या आए थे। फिर चलेंगे सीता रसोई जहाँ पर प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन मुफ्त में कराया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नॉन प्रेग प्रयागराज से आज मैं जा रहा हूँ अयोध्या, श्री राम भगवान की जन्मभूमि। और आज है रामनवमी, भगवान का आज जन्म हुआ था और आज मैं जा रहा हूँ भगवान जी का जहाँ जन्म हुआ था अयोध्या धाम में। तो अभी मैं हूँ सिविल लाइन बस स्टैंड में और हमारी बस है 11 बजे। सुबह मैं सोचा ट्रेन से जाने के लिए, लेकिन ट्रेन से नहीं निकल पाया, कुछ काम था घर पे, वो करना ज़्यादा जरूरी था, तो उसके लिए मैं रुक गया। और अभी हमारी बस है 11 बजे, जो कि लगभग 5 घंटे में पहुंचा देगी हमें अयोध्या, मतलब 4-5 बजे के आसपास अयोध्या पहुंचा देगी। तो अयोध्या में एक दिन का स्टे है मेरा और अयोध्या धाम पूरा एक्सप्लोर करना है, तो बने रही वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी हमारी बस वहाँ पर लगी हुई है जो कि 11 बजे यहाँ से चलेगी। तो फाइनली मैं अयोध्या पहुंच चुका हूं, अयोध्या बस स्टैंड के जस्ट सामने खड़ा हूं। अयोध्या आने के लिए आपको अयोध्या में 2 प्लेसेस हैं, पहला है अयोध्या, दूसरा है अयोध्या धाम। अगर आप घूमने टहलने आ रहे हैं, जैसे हनुमानगढ़ी जाना है आपको, अयोध्या के रामघाट जाना है और बाकी दशरथ महल जाना है, ये अयोध्या धाम में आते हैं। तो अभी हम अयोध्या बस स्टैंड से गुप्तार घाट पहुंच चुके हैं। अयोध्या बस स्टैंड पुराना अयोध्या है, मतलब फैजाबाद में आता था, जो फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रख दिया गया। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में आपको 2 प्लेसेस मिलेंगे, पहला अयोध्या मिलेगा, दूसरा अयोध्या धाम मिलेगा। तो अगर आपको अयोध्या धाम में जाना है तो वो अलग चीज़ें हैं, जहाँ पर हनुमानगढ़ी और भी जो चीज़ें हैं देखने लायक वहाँ पर हैं। और ये है पुराना अयोध्या जो कि फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, और यहाँ और अयोध्या बस स्टैंड भी इसी के अंडर आता है। ये है गुप्तार घाट, हमारे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं ये प्रभु श्री राम का है, और ये जो हमारे पीछे नदी देख रहे हैं ये घाघरा नदी है, जिसको हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और इस जगह की खास बात यह है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर जल समाधि लिए थे, और जल समाधि जब लिए थे दोबारा यहाँ से नज़र नहीं आए थे। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम यहाँ पर स्नान करने के लिए गए थे और स्नान करने के लिए नदी के अंदर घुसते चले गए और दोबारा बाहर नहीं आए थे। तो ये वही स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम जल समाधि लिए थे और आखिरी बार नज़र आए थे यहाँ पर। हमारे पीछे जो मंदिर है, इस मंदिर में श्री राम भगवान और लक्ष्मण सीता माता की मूर्ति है। तो चलिए मंदिर के अंदर का व्यू देखते हैं और माता सीता और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का दर्शन करते हैं। तो अभी हम गुप्तार घाट के सामने जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और यह मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना है, जैसा कि यहाँ के महात्मा जी ने बताया, 550 वर्ष पुराना है। और इस मंदिर के अंदर श्री राम भगवान और लक्ष्मण और सीता माता की प्रतिमा है, और यहीं से प्रभु श्री राम आखिरी बार दिखाई दिए थे। और प्रभु श्री राम आखिरी बार अपनी प्रजा के साथ यहाँ पर आए थे स्नान करने के लिए, और आखिरी बार यहाँ पर दिखाई दिए थे, और यहीं से फिर इस नदी में गुप्त हो गए थे, इस वजह से इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ गया। आज है रामनवमी और रामनवमी अयोध्या में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आइए आज आपको अयोध्या की रामनवमी का भी दर्शन कराते हैं। तो भाई कुछ ऐसा है अयोध्या में रामनवमी का दृश्य, आज के दिन शहर के गली गली पर डीजे बज रहा है और राम भगवान के नारे लग रहे हैं। दूसरा दिन और मैं इस आश्रम में रुका हुआ था। आश्रम में मैंने डॉर्मेट्री ली थी जिसका चार्ज 100 रुपया था, लेकिन काफ़ी बेहतरीन था। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बारिश थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई है, बट
अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी बजरंगबली का दर्शन करने के लिए। और इधर आप हमारे पीछे देख सकते हैं सड़क के दोनों साइड, इस साइड और इस साइड दोनों साइड बिल्डिंग तोड़ी गई है, क्योंकि चौड़ीकरण यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है और आधी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे सड़कें चौड़ी की जा सकती, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा यहाँ लग जाता है। हमेशा मैं पिछली बार भी आया था तो काफी ज्यादा भीड़ थी, और इस बार भी, तो इस बार आया हूँ देख रहा हूँ कि सड़कें जो है चौड़ी करने के लिए घरों को तोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ केवल एक जगह पर नहीं है, पूरे अयोध्या में ये चीज चल रहा है। और बाकी भी बारिश धीरे धीरे हो रही है, देखते हैं हनुमान जी का दर्शन हो पाता है कि नहीं। बाकी मौसम जो है, बारिश ना हो तो मौसम तो बहुत प्यारा है। अभी बारिश थोड़ा तेज हो गई है, लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज्यादा है। और अभी हम चल रहे हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का दर्शन करने के। भाई आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये है हनुमानगढ़ी। यह वही स्थान है जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर वापस अयोध्या आए थे। अयोध्या में हनुमान जी ने इस स्थान को अपना गढ़ बना लिया था और प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए यहाँ पर बैठ गए थे। चलिए अब अंदर हनुमानगढ़ी के अंदर का व्यू दिखाते हैं। फाइनली लाइन यहाँ से लग के अंदर जा रही है और भीड़ काफी ज्यादा है और बारिश भी हो रही है यार। यहाँ पर भी वही सीन है, अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो जूते चप्पल आपको बाहर करने पड़ेंगे और जूते चप्पल बाहर रखने के लिए यहाँ की दुकानों से प्रसाद लेना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं, इधर की सारी दीवालों पर बजरंगबली की आरती और हनुमान चालीसा सारी दीवालों पर लिखा हुआ है। देखो भाई, हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और यहाँ पर वार्निंग हमेशा मिलती रहती है, क्योंकि चोरी वोरी होती होगी, इस वजह से अपना जो पर्स वर्स है या जो कीमती चीज है उसको संभाल के रखें। बाकी दर्शन हो गए बजरंगबली के, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का व्यू दिखाते हैं। बाकी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जितनी भी सड़कें हैं सभी सड़कों को चौड़ी करने के लिए घरों को तोड़ा गया है और जो घर टूटे हैं वो दोबारा जो है अच्छे तरीके से निर्मित हो रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस डिजाइन में बन रहे हैं, ये सारे घर टूट चुके हैं और इधर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो भैया हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद आगे निकल जाएगी रास्ता जो जाएगी कनक भवन और जन्मभूमि। बाकी इधर आप देख सकते हैं जौन चौचक तरीके से घर द्वार तोड़ा गया है। तो भाई ये है दशरथ महल और जन्मभूमि यहाँ से 500 मीटर है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एकदम चौचक तरीके से बना के निशान उशान दिखाया गया है। बाकी भीड़ आप देखिए दोनों तरफ से एकदम चौचक तरीके से भीड़ आ रही है। तो भाई अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इधर है दशरथ जी का राजमहल है। चलिए अंदर दशरथ महल देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, बाकी उसके बाद फिर चलते हैं जन्मभूमि की तरफ। दशरथ भवन से निकलकर अब जन्मभूमि की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं जन्मभूमि पर क्या सीन है, अंदर जाने के लिए मौका मिलता है या नहीं, या अंदर फोन ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है राम रसोई और यहाँ पर निशुल्क लोगों को भोजन कराया जाता है और पीछे यहाँ से कूपन लिया जाता है। कूपन आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के नाम पर मिल जाएगा, आपको एक रसीद मिलेगी, उसमें अपना नाम वाम भरना है, पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर, और फिर उस रसीद को लेकर जाना है वहाँ पे जमा करना है। जैसे ही आप जमा करेंगे आपको अंदर जाने का पास मिल जाएगा, आप अंदर जाके पेट भर भोजन कर सकते हैं जो कि निःशुल्क है, राम रसोई के नाम पर चलता है और यह जन्मभूमि से जस्ट 300 मीटर पहले आपको मिलेगा। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि या राम मंदिर देखने जा रहे हैं, तो राम मंदिर से जस्ट 300 मीटर पहले चल रही इस संस्था में जरूर जाएं। राम रसोई के नाम से चल रही यह संस्था प्रतिमाह 30,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन कराती है। प्रभु श्री राम के नाम से मिल रहा यह प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है कि इसका कोई जोड़ ही नहीं है।
बाकी यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए नहीं, राम भगवान के नाम पर मिल रहे प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो भाई हमारा खाना पीना हो गया राम रसोई में, प्रसाद हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है और काफी सारे लोग कर रहे हैं। ये निःशुल्क सेवा होती है, बस आपको एक टोकन लेना पड़ता है, टोकन आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड के नंबर पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इससे भी कहीं ज्यादा लोग बाहर खड़े होकर ये इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जन्मभूमि की तरफ जाने लगेंगे तो हम कोई भी चीज अपने साथ लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लॉकर की सुविधा अवेलेबल है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर राम राम लिखा रखे हैं और यहाँ पर बैठे हुए, आइए आपको पास दिखाते हैं। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये है राम मंदिर का निर्माण कार्य और अभी 12 बज गए हैं, 11:30 जो मंदिर बंद कर दिया जाता है, दर्शन क्लोज हो जाते हैं, फिर दोबारा 2 बजे स्टार्ट होता है। तो अभी जो है दर्शन बंद हो चुके हैं और 2 बजे दोबारा स्टार्ट होगा और मंदिर के अंदर जाने के लिए सारी चीज़ें आपको बाहर रखनी पड़ती है। आप सिर्फ अपनी ज्वेलरी ले जा सकते हैं और अपना पैसा ले जा सकते हैं, अपना वॉलेट ले जा सकते हैं, बाकी फ़ोन मोबाइल चार्जर और क्या बोलते हैं पेन से लेकर के छोटी छोटी चीज़ आपको रखना पड़ेगा। फ्री में लॉकर की सुविधा अवेलेबल है तो लॉकर में रखना पड़ता है, बाकी फिर इंसान अंदर जा सकता है। तो अंदर कुछ कवर करने का ऑप्शन है ही नहीं, बाकी चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है वो दिखाते हैं। भैया कौन सा चौराहा है? नया घाट। अच्छा नया घाट है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं नए घाट पर और इधर है लता मंगेशकर चौराहा। काफी देर से चल रहे थे, थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट लिया है और वाटरमेलन 20 रुपए का लिया है और लाइफ में पहली बार ये खरीदा है। हम हैं लता मंगेशकर चौराहे पर और लता मंगेशकर चौराहे की जस्ट साइड में इस साइड नया घाट बना हुआ है, यहाँ पर मेजर शो होता है या कोई भी इवेंट होता है अयोध्या में इसी घाट पर होता है। तो चलिए आपको इस घाट का व्यू दिखाते हैं और देखते हैं क्या सीन है, पानी वानी है कि नहीं है। हम लोग घाट के अंदर आ चुके हैं राम की पौड़ी के पास और यहाँ पर पानी बहुत कम है, देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा है, पानी शायद किसी वजह से रोक के रखा गया है। और बाकी घाट का व्यू आप देख सकते हैं किस तरह का है। तो भाई अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय पर अयोध्या का जो नया घाट बना हुआ है, नए घाट पर जो स्नान करने की व्यवस्था रहती थी वो बंद होकर दी गई है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, इस समय पर पानी एकदम ना के बराबर है। बाकी इधर जो है लेजर शो होता है यहाँ पर, तो चलिए आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई इस नए घाट का पानी बंद है और लोग कहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं, ये देखो वाह, लेकिन बढ़िया ठंडा रहा होगा, चौचक एक नंबर का। अभी आप मेरे पीछे जो चीज देख रहे हैं वो नए घाट के लिए बनाई गई है, नए घाट में पानी फ्लो करने के लिए जो मेन सरयू नदी है उस नदी से यहाँ पर कनेक्शन लाया गया है और बड़े बड़े जो है 6 बोरवेल लगाए गए हैं और वहां से फिर सप्लाई आता है इसमें। अभी आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं वो है असली सरयू नदी, इसे हम घाघरा नदी के भी नाम से जानते हैं लेकिन अयोध्या में इसे हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। बाकी इसी नदी से पानी कनेक्ट करके जो नया घाट बनाया गया है, असली नदी ये है, जो नया घाट बनाया गया है जो श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए उनको कोई तकलीफ ना हो उनके लिए जो नया घाट बनाया गया है यहाँ से वो पानी सप्लाई होके इस घाट में जाता है। तो भाई आया था प्रयागराज से, सोचा था सरयू नदी नए घाट में स्नान करूंगा, जब यहाँ पर पहुंचा नए घाट में तो चुल्लू भर पानी नहीं था, लोग मिट्टी उखाड़ उखाड़ के वहाँ जो है चीजें इकट्ठा कर रहे हैं कुछ मिल जाए सोना वोना या कुछ भी पैसा वैसा। तो अभी आ गया हूँ असली सरयू नदी में और यहाँ पर स्नान करेंगे, बाकी फिर हमारी 4 बजे ट्रेन है तो आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं, बाकी काफी चीजें आपको मैंने दिखा दी है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपने सुझाव देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस आती रहेंगी। संसार पे भरोसा करके बहुत देख ली, एक बार मेरे रघुनाथ जी पे भरोसा करके देख लो।